झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर, 5 मोटरसाइकिल सहित एक शातिर चोर गिरफ्तार, एक भागने में सफल। झांसी में चेकिंग के दौरान मुखबिर की सटीक सूचना पर बड़ागांव पुलिस ने ग्राम गुरामछिया में छापा मारकर एक शातिर मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी मौके से भाग निकला। पुलिस ने मौके से लगभग आधा दर्जन मोटरसाइकिल बरामद की है। यह सभी मोटरसाइकिल चोरी की हैं, जिनके संबंध में चिरगांव आदि थानों में मुकदमे दर्ज हैं। क्षेत्राधिकारी सदर राजेश कुमार राय ने बताया कि कल रात बड़ा गांव पुलिस क्षेत्र में गश्त चेकिंग कर रही थी। इस बीच मुखबिर ने सूचना दी कि ग्राम गुरामछिया के निकट राकेश गुप्ता उरई वाले के क्रेशर के खंडहर में 2 युवक संदिग्ध मोटरसाइकिल सहित छुपे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने जब छापा मारा तो एक युवक मौके से भाग निकला, जबकि दूसरे को पुलिस ने दबोच लिया। पूछताछ के दौरान पकड़े गए युवक ने अपना नाम अंकित वाल्मीकि निवासी ग्राम रिछौरा थाना बड़ागांव बताया, जबकि भागे हुए साथी का नाम करण वाल्मीकि निवासी ग्राम लिधौरा थाना बड़ागांव बताया। पुलिस ने मौके से 6 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। पकड़े गए आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी पुलिस को मिल गया है। अंकित पर 4 तथा भागे हुए करण पर 9 मुकदमे दर्ज हैं। क्या मामला है पूरा? देखिए, ये हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, एसपी सिटी महोदय, एसपी ग्रामीण महोदय के दिशा निर्देशन में ये अभियान चलाया जा रहा था। जो एक गिरोह हमारे जनपद में सक्रिय, जो काफ़ी मोटरसाइकिल चोरी कर और इनको कम दामों में बेच दिया करते थे, इस संबंध में हमारे थाना प्रभारी महोदय अपने टीम के साथ चेकिंग के दौरान जो है गोराबछिया क्षेत्र में थाना बड़ा गांव क्षेत्र परिसर के क्षेत्र के अंतर्गत एक अंकित नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया, जिससे पूछताछ की गई। उसके पास से 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है। एक व्यक्ति फरार चल रहा है जो इनका मुख्य लीडर है, उसके लिए भी हमारे प्रभारी महोदय जो है काफ़ी प्रयासरत हैं और ये चोरी करके कम दामों में बेचकर इसको जो है अपना पैसा प्राप्त कर उससे कुछ दूसरा धंधा बिजनेस करते थे, जिसे गिरफ्तारी के दौरान पूछताछ में इन्होंने अंकित बताया है। क्या तरीका था सर इनका चोरी करने का? तरीका चोरी करने का ये था, पहले रैगी करते थे, ये स्वतः से अपनी इसकी कीमत तैयार करते थे और उसको गाड़ी को चोरी कर लेते थे। पुष्पेंद्र श्रीवास के साथ नेहा श्रीवास की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज़, झांसी।